नमस्ते, स्वागत है आपका झूमाज रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं कद्दू का एक करी जो कि बहुत ही आसान है बनाने में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रोटी और प्याज के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके लिए चाहिए होंगे हमें चॉप किए हुए कद्दू और 3 से 4 आलू। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे हम ऑयल। इसको हीट करने के बाद उसमें डाल देंगे हम रेड चिलीज और जीरा। उसको थोड़ा फ्राई होने के बाद इसमें डाल देंगे हम लहसुन और प्याज कटे हुए, और फिर उसको सॉटे करना है 1 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें डाल देंगे हम 3 अच्छे से चॉप किए हुए मिर्चियाँ और अदरक। सॉटे करेंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें डाल देंगे हम आलू। सारे आलूओं को इस बार डालना है और कुक करना है 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद इसमें जाएगा कद्दू। कद्दू को डाल के इसे करीब हमें 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। पहले स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, फिर ऐसे ही रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें डालेंगे हम नमक। नमक डाल के स्पैचुला की मदद से इसको फिर से अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब ढक के इसे पकाएंगे करीब 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। ढक्कन उठाने के बाद आप देख पाएंगे कद्दू ने अपना पानी छोड़ दिया है। इसे अब हम कुक करेंगे जब तक कि पानी पूरा इवापोरेट ना हो जाए। उसके बाद इसमें हम हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। फिर इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट्स चाहिए मसालों का तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और मसाले जले ना, इसके लिए हम इसमें 1/2 कप पानी डाल के इसको कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि पूरा पानी इवापोरेट ना हो जाए। उसके बाद इसी में करीब हम 1.5 कप पानी डालेंगे ताकि जो कद्दू है वो अच्छी तरीके से बॉयल होकर सॉफ्ट हो सके। एक बार अच्छी तरीके से पानी के साथ मिक्स कर लेने के बाद इसको हम ढककर करीब 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जो कद्दू है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब इसमें हमें डालना है कुछ और चीज़ें, जिसमें आएगा एक शाही गरम मसाला। इसको डाल देंगे 1 छोटा चम्मच और फिर इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम बस 1/2 मिनट के लिए पकाएंगे फुल फ्लेम पर। उसके बाद इसको धनिया से गार्निश कर देंगे। तो बन गया हमारा कद्दू का करी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आप इसे रोटी और प्याज के साथ सर्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।